एक शहीद की बेटी ने आज पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने आकर लड़ लो, फिर जितने मारे जाएंगे देख जाएगा। एक शहीद की बेटी ने अपने पिता को कंधा दिया, एक शहीद की बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। ये तस्वीर हिंदुस्तान के शौर्य की तस्वीर है जो बयां कर रही है, हम न सिर्फ शहीदों का बलिदान याद करेंगे बल्कि उनका बदला भी लेंगे। देश के लिए शहीद जवान नरेंद्र सिंह बिष्ट को उनकी बेटी ने कंधा दिया। ये बहुत गर्व की बात है कि मेरे पापा ने अपने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। इससे मैं सरकार को ये बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान वालों को ये बोला जाए कि आमने सामने कर लें और जितने मारे जाएंगे फिर देखी जाएगी। देश के लिए शहीद जवान को उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी। बदला तो लेना चाहिए, जब वो ऐसे परेशान कर रहे, बार बार हमारे ऐसे लोगों के घर खाली हो रहे, तो डट के मुकाबला करना चाहिए उनका। देहरादून के हवलदार नरेंद्र सिंह बिष्ट की यह अंतिम विदाई देश याद रखेगा, क्योंकि पिता की चिता से एक बेटी दुश्मन से बदला लेने का प्रण कर रही है। सात अगस्त को पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में उनको गोली लगी, उस दिन रक्षाबंधन था। 7 अगस्त वो दिन था जो हमारे भारत में उस दिन भाई और बहनों का त्यौहार मनाया जा रहा था, और शहीद नरेंद्र सिंह बिष्ट जो है हमारे देश की रक्षा कर रहे थे उस दिन। उसी दौरान उनको जो है गोली लगी है, सिर गोली जो है सिर पे लगी उस दिन से, और 16 अगस्त सुबह 4 बजे तक वो कोमा में रहे, और 16 अगस्त चार बजे सुबह मॉर्निंग में जो है वो शहीद के देश के नाम पर शहीद हो गए। 7 अगस्त को हवलदार नरेंद्र सिंह को गोली लगी और 9 दिन तक वो जिंदगी की जंग लड़ते रहे। हवलदार नरेंद्र सिंह थे बड़े जांबाज सिपाही थे, इन्होंने दुश्मन के साथ लोहा लिया उड़ी सेक्टर में, J&K में उड़ी सेक्टर है जो बहुत डिफिकल्ट एरिया है। दुर्भाग्य से गोली लग गई और फिर भी ये सरवाइव करते रहे, लेकिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद कल इन्होंने अंतिम सांस ली और अपना जीवन देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। 7 अगस्त को गोली लगने के बाद जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में हवलदार नरेंद्र का इलाज चल रहा था। आज जब उनका पार्थिव शरीर देहरादून स्थित सेलाकुई गांव पहुंचा, तो हर एक की जुबान पर बस एक ही आवाज थी। ये बलिदान हिंदुस्तान याद रखेगा, क्योंकि शहीद की बेटी के साथ पूरा देश कह रहा है कि इस शहादत का बदला हम लेंगे और जरूर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।